हेलो गाइस, सो कैसे हो आप लोग। एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। लेकिन ये गेट पर कौन है यार, ये गेट पर कौन है? हाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये गेट पे कौन? ओ शिट, यहाँ तो व्हाइट घोस्ट है। अबे भाई भागो यहाँ से, ये व्हाइट घोस्ट यहाँ पे कैसे आ गया? भागो फटाफट गाइस, मैं अपना बेड लेके यहाँ से भागता हूँ जल्दी से। चलो निकलते हैं यहाँ से, भागो फटाफट, पता नहीं वो कहाँ से आ गया। ओ माई गॉड, चलो मैं अपने भाई के घर पे जाता हूँ एंड उससे कुछ देर के लिए हेल्प मांगता हूँ। हेलो ब्रो, उठ जा प्लीज, उठ जा ब्रो, मेरी हेल्प कर। हाँ भाई, क्या हुआ तुझे एंड तू इतना घबराए हुआ क्यों है? तुझे क्या हो गया ब्रो? अबे मेरे घर में एक व्हाइट घोस्ट ने हमला कर दिया है ब्रो, बहुत ही खतरनाक व्हाइट घोस्ट है वो। क्या भाई, व्हाइट घोस्ट ने तेरे घर पे हमला कर दिया एंड तू यहाँ पर भाग के आ गया? चल कोई बात नहीं ब्रो, तू इस वाले बेड पे सो जा एंड मैं भी थोड़ा आराम करता हूँ। ठीक है ब्रो, सुबह देखते हैं जो भी होगा। गुड नाइट। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। सो सुबह हो चुकी है लेकिन ये अभी तक नहीं उठा है। अरे भाई उठ तो गया, मार क्यों रहा है? तो चल बाहर चल के देखते हैं तेरा व्हाइट घोस्ट कहाँ पे है। हाँ चल भाई, मैं तेरे को दिखाता हूँ, वो यहीं कहीं होगा वो व्हाइट घोस्ट। हेलो विलेजर, तूने रात में किसी व्हाइट घोस्ट को देखा है क्या? ये तो मना कर रहा है, लेकिन रुको मेरे पास एक आइडिया है। मेरा एक दोस्त है सायरन हेड, मैं उसे कॉल कर सकता हूँ। कॉल करूँ क्या मैं उसको? लेकिन उसके लिए मेरे को फ़ोन चाहिए होगा, जो कि इस फ़ोन की शॉप से ख़रीदना पड़ेगा, बट मेरे पास तो पैसे नहीं है। सो एलेक्स खरीदने वाला है। भाई चिंता मत कर, मैंने उसको सारे के सारे रुपए दे दिए हैं एंड तू बस कॉल लगा सायरन हेड को ताकि वो हमारी हेल्प करे फटाफट आके। भाई तुझे लगता है कि सायरन हेड हमारी हेल्प करेगा? क्योंकि वो खुद ही एक खतरनाक स्कैरी मॉन्स्टर है। नहीं ब्रो, वो हमारी हेल्प पक्का करेगा, तू देख लेना, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त नहीं है यार, लेकिन मैंने कभी सुना है वो किसी की हेल्प करता है। सो मैंने कॉल लगा दिया है ब्रो। भाई मुझे लगता है वो हमारी हेल्प करेगा और ऐसा लग रहा है कि वो हमें मारेगा भी। भाई ये आवाजें कहाँ से आ रही? ओ भाई वो आ गया है। अबे यार मुझे लग रहा है ये हमें मारने चाह रहा है। हाँ ये मेरे पीछे आ रहा है भाई, हम लोगों के पीछे आ रहा है ये हमें मारने के लिए। भाई नहीं, भागो यहाँ से। भाई ये देख, सामने वो खड़ा हुआ है सायरन हेड, पहाड़ों के पीछे वो खड़ा हुआ है। ओ माय गॉड, अच्छा हुआ हम लोग यहाँ पे छुप गए हैं, वरना वो हमें पकड़ के खा जाएगा। लेकिन ब्रो हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं? भाई तू चल बस, हम लोग सायरन हेड से बच के इस वाले सामने हाउस के अंदर जा रहे हैं एंड पहले देखते हैं किसका हाउस है। वेट भाई, तो लॉक्ड है एंड इसको खोलेंगे कैसे? ओ ब्रो सामने देख, ऊपर की है। चल मैं इसको उतारता हूँ एंड फटाफट लेट्स गो। मैंने इसको उतार लिया है, तो भाई पता नहीं किसका हाउस है लेकिन आज रात की हम यहीं गुजारने वाले हैं, आज रात इसी वाले घर के अंदर। तो चलते हैं भाई, कल सुबह पता लगने वाला है किसका हाउस है। चल तब तक हम लोग यहाँ पर सोते हैं आराम से। हाँ तू सही कह रहा है भाई, हमें आज रात यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। चलो फटाफट यहाँ पर सोते हैं। गुड नाइट ब्रो। हाँ ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? एलेक्स बाहर से आवाज़ आ रही है, फटाफट मेरे पीछे देखते हैं बाहर कौन है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी? काफ़ी रात हो रही है गाइस, यहाँ पर कोई भी नहीं है। चलो फटाफट चलते हैं नीचे। भाई पता नहीं कौन है ऊपर, बट मेरे को भाई अभी कौन है यार, ये आवाज़ें कौन निकाल रहा है? कौन है यहाँ पर? हेलो कोई है क्या प्लीज़, हमारे सामने यहाँ कोई है तो? अबे कोई भी नहीं है यार, चलो निकलते हैं यहाँ से। लेकिन रुको गाइस, मेरे पास एक बार फ़ोन है भी, लेकिन मैं किसी को फ़ोन लगाता हूँ। ओ शिट, ये गलती से किसी को फ़ोन लग गया, ये तो व्हाइट घोस्ट है। नो ओ शिट, ओ शिट, ओ नो, भाई तू कहाँ चला गया? गाइस एलेक्स गायब हो चुका है, पता नहीं एलेक्स कहाँ चला गया। ये रहा एलेक्स, इसको तो व्हाइट घोस्ट ने पकड़ रखा है। भाई प्लीज बचा ले, ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, मुझे प्लीज छोड़ दे। ओ नो गाइस, व्हाइट घोस्ट ने मेरे भाई को लेके चला गया पता नहीं कहाँ पे, और अब मैं उसको कैसे पकड़ूंगा? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो अब क्या करूँ गाइस, एंड मैं तो यहाँ बेहोश हो रहा हूँ। लेकिन ये विच मेरे साथ क्या करना चाहती है? ओ नो, विच ने मेरे को अपने हाथों में उठा के पता नहीं कहाँ पे लेके जा रही है मेरे को।
हाँ अबे ये कहाँ पर हूँ मैं? अबे विच, तूने मुझे बंद क्यों कर दिया? मेरे को यहाँ से बाहर निकाल प्लीज, मुझे बाहर निकलना है यहाँ से। एंड गाइस, मैं कितना छोटा हो चुका हूँ देखो, मेरा साइज बहुत छोटा हो चुका है। मतलब विच ने मेरे को एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जिससे कि मेरी हाइट बहुत ही कम हो चुकी है। एंड ये बर्ड मेरी हेल्प करने वाली है। बर्ड प्लीज़ वो की मेरे को दे, हाँ वो की मेरे को दे फटाफट से, जिससे कि मैं ताला खोल के यहाँ से बाहर निकल सकूँ। ओके थैंक्स, बाय बाय, जाओ यहाँ से फटाफट निकलो यहाँ से। ओके सो गाइस, मेरे को मिल चुकी है की, एंड मैं इस की से यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ फटाफट से। चलो इस की को लगाते हैं यहाँ पर, लेट्स गो, चलो निकलते हैं यहाँ से। एंड ये मैं काफ़ी छोटा हो चुका हूँ। ये रहा पोशन, आई थिंक मैं इस पोशन से ठीक हो जाऊंगा। वेट करो, ओके ओके, वाओ मैं ठीक हो चुका हूँ फाइनली। गाइस गाइस देखो, मैं ठीक हो चुका हूँ, चलो चलते हैं बाहर। लेकिन ये बाहर विच क्या कर रही है विलेजर्स के साथ? पता नहीं क्या कर रही है भाई, ये इनको एक मशीन के अंदर डाल रही है जिससे कुछ तो वो बनने वाले हैं। मैं ऐसे एक शॉट ले लेता हूँ। ओ नो, वो विलेजर बन चुके हैं, जाइंट विलेजर। ओ माई गॉड, मेरे को गाइस यहाँ से भागना पड़ेगा फटाफट से, इससे पहले कि विच मेरे को देख ले कि मैं यहाँ पर हूँ। एंड मेरे को अपने भाई को भी तो बचाना है वाइट घोस्ट से। एंड गाइस, ओ शिट, क्या उन लोगों ने मेरे को देख लिया? गाइस भागो यहाँ से, विच ने और उन दोनों ने मेरे को देख लिया। और नूब, अबे नूब तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हेलो भाई, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एंड चलो मैं तुम्हें बचा लेता हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ। चलो देखो, मैं इस मशीन के अंदर जाता हूँ, फिर ये क्या है भाई, इस मशीन के अंदर होगा क्या आके मेरे साथ? अबे उसके अंदर मत जाना ब्रो, उसके अंदर जाने से, वहाँ मत जाना प्लीज, अबे मत जा ब्रो। मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर मेरे साथ क्या होता है। अबे नहीं, ऐसा नहीं करना था वो। ओ ब्रो नूब, तू क्या बन चुका है? गाइस देखो, ये नूब उसके अंदर जाने के बाद क्या बन गया, ये तो एक खतरनाक सा गोलम बन चुका है। एंड ये हमारी हेल्प कर रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। गाइस देखो, ये हमारी हेल्प कर रहा है इन सभी ओके विलेजर्स को मारने में। एंड नूब, मेरे को अपने भाई को बचाना है, तो मैं क्या करूं? ओके ये बोल रहा है मेरे पीछे आओ, चलो चलते हैं इसके पीछे। भाई तेरा भाई बहुत बड़ी मुसीबत में है ना, चल उसको मिलके बचाते हैं। वाइल्ड घोस्ट यहीं कहीं आया होगा तेरे भाई को लेके, चल उसको मिलके बचाते हैं। वो रहा नीचे, तेरा भाई भी वहीं पे होगा, चल वहां पे चलते हैं, तेरे भाई को बचाते हैं। चल भाई चलते हैं, प्लीज तू मेरी हेल्प कर दे यार। ओ शिट ब्रो, हमारे पीछे आ चुका है वाइट घोस्ट, वो देख। एंड वो जहाँ से हम लोग आए ना पोर्टल से, वो उस पोर्टल को तोड़ रहा है। कोई बात नहीं भाई, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। नहीं, ओ नो गाइस, नूब भी मर चुका है और अब सिर्फ मैं बचा हुआ हूँ। मेरे को कुछ करना पड़ेगा गाइस, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, मुझे एलेक्स को बचाना पड़ेगा एंड खुद भी बचना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है गाइस मैं करूं तो। ओ शिट, वो तो सामने भाग गया कहीं पे। गाइस वो वाइट घोस्ट कहीं भाग गया, बट ये कौन है? हेलो, ये तो येलो सोनिक है। ओ शिट, भागो यहाँ से, रुको उसको मारते हैं। बट वेट, यहाँ जॉम्बी है, मारो इनको जॉम्बी को भाई। अच्छा ये जॉम्बी इसके दुश्मन है, चलो इनको मारते हैं। ओके मारो मारो मारो, अबे जा जॉम्बी के बच्चे निकल। वाओ, हेलो येलो सोनिक, तुम कैसी हो? गाइस जो ये सोनिक है ना येलो वाली, ये हमारी दोस्त है और ये हमारी हेल्प करेगी। ओके लेकिन मैंने एलेक्स को ढूंढ लिया है गाइस, वो नीचे है एंड वो एक खतरनाक जगह पे बंधी हुई है, लेकिन सोनिक ने उसको बचा लिया है। थैंक यू सोनिक, वाओ। अरे भाई थैंक यू मुझे बचाने के लिए, लेकिन फटाफट यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि वो वाइट घोस्ट कभी भी यहीं पे आ सकता है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा फटाफट। भाई वो कहीं से आ रहा होगा। चल ब्रो निकलते हैं फटाफट, यहाँ पर एक पोर्टल है, चलो यहीं से निकलते हैं शायद। लेट्स गो ब्रदर। ओके ओके गाइस, हम लोग अपने वर्ल्ड में आ चुके हैं फाइनली। एंड यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि मैंने एलेक्स को बचा लिया है, लेकिन ये तो हमारे पीछे खड़ा हुआ है द वाइट घोस्ट। शिट,
ब्रो भाग भाग भाग, ये हमारे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ चुके हैं, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। अच्छा हुआ भाई तूने यहाँ पर फायर लगा दिया, वरना आज तो हम लोग मर ही जाते, ये ज़ॉम्बीज हमें मार देते। एंड मैंने यहाँ पर सैंड गिरा दिया है, तो अब हमें डरने की कोई बात नहीं है। तो चल भाई घर पे चलते हैं। लेट्स गो ब्रदर, चलो फटाफट चलते हैं। लेकिन वो देख भाई सामने वो क्या है भाई, भाई चार चार स्कैरी टावर्स हैं ये तो। हाँ भाई, यहाँ पर ये वाइट घोस्ट एंड ओमुंगा एंड ये पैनिक बॉयज और भाई मोमो गर्ल, यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं यार? पता है ये लगता है इनके रियल वाले टावर्स हैं। एंड इनके आगे एक लीवर भी दिया हुआ है, मतलब हम लोग लीवर को अगर ऑन करेंगे तो शायद ये रिस्पॉन हो जाएंगे। हाँ भाई, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, मैं इनको ब्लास्ट कर दूंगा TNTs लगा के। सो रेडी हो ना? हाँ मैं रेडी हूँ भाई। यहाँ पर मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है एंड ये बीच में फंस गया, सो बूम यहाँ पर ब्लास्ट हो चुका है। लेकिन वेट, ये तो मरा ही नहीं। ओ शिट भाई, मेरा प्लान फेल हो चुका है एंड ये हमारे पीछे पड़ चुके हैं। हाँ भाई भाग, हमारा प्लान फेल हो चुका है, व्हाइट घोस्ट हमारे पीछे आ रहा है एंड उसने इन डाकू लोगों को भी मार दिया। यार तूने ये क्या कर दिया फालतू में, तेरा प्लान तो फेल हो गया, जल्दी भाग यहाँ से ब्रो, वरना हम लोग मारे जाएंगे आज, जल्दी भाग यहाँ से। अरे हम लोग ये कहाँ फंस गए ब्रो, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा लावा लावा है। हाँ भाई यार, मैंने सोचा था कि वो मर जाएगा लेकिन वो मरा ही नहीं। और यहाँ पे देखो गाइस, नूप किसी को कॉल लगा रहा है, नूप का ये बहुत ही अमीर दोस्त है, ये उसको कॉल लगा रहा है। लेकिन ये लोग आपस में बातें क्या कर रहे हैं, इसका मतलब रिच मैन यहाँ पे आने वाला है क्या हमारी हेल्प करने के लिए? भाई मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि नूप ने अपने दोस्त को बुला लिया है एंड वो कुछ ही मिनटों में आने वाला है। ये कौन है? एंड वो आ चुका है फाइनली। लेकिन ओ वाओ यार, जो रिच मैन था ना उसने उस वाइट घोस्ट को उड़ा के फेंक दिया। ब्रो नूब भाई तूने कमाल कर दिया, तूने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया, थैंक्स ब्रो। चलो गाइस दोबारा वहीं पे चलते हैं, क्योंकि वहां पे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार स्कैरी मॉन्स्टर्स हैं। ये देखो हम लोगों ने वाइट घोस्ट को ट्राई कर लिया है एंड ब्रो हम लोग अब ट्राई करने वाले हैं स्कैरी ओबुंगा को। यस ब्रो, लेकिन ये करना थोड़ा खतरनाक होने वाला है, इसलिए हमें एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा। सो भाई वैसे ये करना जरूरी है क्या? वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये रिच मैन क्या बना रहा है? ये तो एक पोर्टल टाइप चीज बना रहा है, लेकिन ये है क्या? पता नहीं यार ये क्या कर रहा है, रिच मैन तू क्या कर रहा है ब्रो? अबे ब्रो ये देख, रिच मैन ने मेरे को एक शॉटगन दे दी, इसका मतलब मेरे को उसके ऊपर फायर करने का है। ओ माय गॉड गाइस, ओबुंगा हो चुका है स्पॉन एंड उसको हम लोग को उस पे फायर करने का है। ओ शिट, वो स्पॉन हो चुका। हाँ ओबुंगा ने रिच मैन को पत्थर के अंदर फेंक दिया। ब्रो भाग यहाँ से, हम लोग फंस चुके हैं। ये बहुत ही खतरनाक भूत होता है जो कि हजारों सालों पहले मर गया था एंड इसने पेनीवाइज को भी स्पॉन कर दिया। यार इसने तो एक के साथ दो दो मुसीबत एक साथ लेके आ चुका है भाई, क्या बता हो कि वो मोमो गर्ल को भी जिंदा कर ले। सो अभी हम लोगों को यहाँ से फटाफट भागना पड़ेगा क्योंकि वो तीनों अभी हमारे पीछे ही आ रहे हैं शायद दोनों। तो चलो घर के अंदर चलते हैं, लेकिन उससे पहले भाई बुलाते ले, भाई डोर खोल, भाई फटाफट डोर खोल, प्लीज हेल्प मी। ऑल राइट विच आ चुकी है, प्लीज विच हमारी मदद कर, यहाँ पर टू मॉन्स्टर्स हमारा पीछा कर रहे हैं। प्लीज विच हमारी हेल्प कर दे प्लीज। ओके शायद विच ने कुछ तो यहाँ पे कर दिया है। वाओ विच ने वहाँ ब्लास्ट कर दिया है एंड शायद वो दोनों मॉन्स्टर मर चुके हैं। ये नहीं, वो तो एक बहुत बड़ी नीचे खाई में गिर चुके हैं जो कि विच ने हमारे लिए बनाई थी। विच तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्रो आज की रात हम लोग इसी के अंदर गुजारने वाले हैं, विच के घर के अंदर। अभी तो सो गया यार। चलो विच बाय बाय, मैं भी सोने जा रहा हूँ। सो गाइस गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, सो कैसे हो आप लोग? सो सुबह हो चुकी है एंड एलेक्स और नूप कहाँ पर हैं? एलेक्स और नूप तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?
भाई हम लोग यहाँ पर वही चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर वो लोग गिरे थे वो मरे हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पर तो भाई नीचे एकदम गड्ढा हो चुका है एंड सामने कोई केप भी निकल के आ चुकी है। तो चल भाई हम लोग विच की बेसमेंट में चलते हैं एंड देखते हैं यहाँ पर क्या है। अबे यहाँ तो ब्रो ये देख सीक्रेट पोर्टल है, पानी वाला पोर्टल, इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं गाइस इसके अंदर क्या होता है, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं विच के पोर्टल के अंदर और ये देखो हम लोग कहाँ पे स्पॉन हो चुके हैं लिटरली, यानी कि ये कोई एक खतरनाक सी सिटी है जिस सिटी के अंदर मैं पहले कभी भी नहीं आया हूँ एंड ये सिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। लेकिन वहाँ पे विच कुछ कर रही है, देखो किसी को स्पॉन कर रही है। ओ माय गॉड, विच ने एक खतरनाक से मॉन्स्टर को स्पॉन किया बिल्कुल अभी अभी। भाई विच के पागल हो गई है एंड ये ऐसा क्यों कर रही है, भाई मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये विच की दुनिया है एंड ये सारा का सारा ब्लेज स्काई है। भाई ये यहाँ पे मॉन्स्टर को स्पॉन करती है, भाई ये सब कुछ तो हमारे लिए प्लानिंग करी गई थी, अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा फटाफट। ओपे भाई ये तो हमारे पीछे पड़ चुका है हाथ धो के, ओ शिट ब्रो जल्दी भाग यहाँ से जल्दी। हाँ तूने बिल्कुल सही कहा ब्रो, ये विच की दुनिया है और हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस, सो मैं और एलेक्स आ चुके हैं, पता नहीं कहाँ पर आ चुके हैं हम लोग, एक नए पोर्टल में आ चुके हैं एंड यहाँ पे बहुत सारा लावा है दोस्तों एंड लावा के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये तोड़ देता हूँ ताकि यहाँ पे जो हमारे पीछे मॉन्स्टर आ रहा है वो हमारे पास ना आ पाए। हाँ भाई तू एकदम ठीक कर रहा है एंड ये क्या, ये तो दिमाग से पैदल निकला भाई, इतने लावा में जंप कर दी एंड ये विच फिर से कुछ कर रही है। भाई तू वहाँ से निकल जा वरना वो तुझे लावा में गिरा सकती है, मैं समझ चुका हूँ भाई वो विच इधर ही आ रही होगी, उससे पहले हमें फटाफट कुछ करना पड़ेगा ताकि वो इधर ना आ पाए। सो लेकिन क्या करें भाई, मेरे दिमाग में तो कुछ बत्ती जल ही नहीं रही है, क्या करें, ये क्या है। अभी एक पोर्टल है ब्रो, तू चला गया मैं आ, रुक जा। ऑल राइट गाइस, हम लोग एक बार फिर से पोर्टल के बाहर आ चुके हैं और ये क्या, इसका मतलब ब्रो हम लोग अपने न्यू मतलब उसी वर्ल्ड में वापस आ चुके हैं, लेट्स गो। हाँ भाई हम लोगों ने उन दोनों को मार दिया है एंड उनको पीछे छोड़ दिया है, सो अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो अभी हम लोग चलते हैं मोमो गर्ल के पास, भाई ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली मोमो गर्ल होती है, तू तो इसको जानता ही होगा, मैं तो इसको बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। अबे मैं भी ये जानता हूँ इसको भाई, इसके साथ मैंने बहुत सारा खेला है माइनक्राफ्ट, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेडी होती है। गाइज आपको तो पता है ना ये कौन होती है। हाँ चलो अब टाइम आ चुका है इसको स्पॉन करने का, ये स्पॉन हो चुकी है। अबे नहीं नूब, ओ शिट गाइज मोमो गर्ल ने नूब को जान से मार दिया है, जल्दी भाग एलेक्स वरना ये हम दोनों को भी जान से मार देगी। भाई नहीं मुझे जान से नहीं मरना है, भाई हम लोगों ने गलती कर दी यार, हम तो इसको एकदम फ्रेंडली समझ रहे थे एंड ये पहले से ज़्यादा स्कैरी बन चुकी है। तो चल भाई सामने वाले एक बड़े से हाउस के अंदर चलते हैं इसके आने से पहले। ओ ये ले एंड्रपल एंड चल आ जा मेरे पीछे। ठीक है ब्रो आता हूँ तेरे पीछे फटाफट, तू पहुँच वहाँ पे, तू पहुँच गया, रुक मैं अभी आ रहा हूँ, वेट कर यार, वैसे काफ़ी लंबा रास्ता है बट एनीवे मैं पहुँच चुका हूँ। वाओ ब्रो मैं यहाँ पे आ तो चुका हूँ लेकिन मेरे को बहुत डर लग रहा है, ये कौन है यहाँ पे, ये कोई शैतान अंदर बंद है ब्रो, कौन था वो। भाई पता नहीं लेकिन जो भी था बहुत खतरनाक था। वेट भाई ये कौन सी जगह है, ओके हम लोग कोई नई जगह पे आ चुके हैं जिसका रास्ता हमें नहीं पता, तो चल नीचे चलते हैं और यहाँ की जगह एक्सप्लोर करते हैं कि ये है कौन सी जगह। ओके भाई ये तो एक ओ नो, ओबे ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं एंड ये अभी तक मरे नहीं है, ओ शिट भाई हम लोग गंदा फंस, ओ नो गाइस यहाँ पर देखो मोमो गर्ल ने ओ शिट मार दिया एलेक्स को एंड मोमो गर्ल और पेनीवाइज और ओबुंगा सब के सब यहाँ पर खड़े हुए हैं, इन्होंने मेरे को मार दिया। सो गाइस आप लोग देख सकते हो कि कैसे हम दोनों को वहां पे उन सारे मॉन्स्टर ने मिलके मार दिया था, लेकिन हम दोनों एक बार फिर से यहाँ पे स्पॉन हो चुके हैं। हाँ भाई हम लोग दोबारा से स्पॉन हो चुके हैं एंड ये क्या है भाई पता नहीं, लेकिन वो रही विच, भाई सामने विच है एंड इससे हमें छुप के रहना पड़ेगा क्योंकि ये भाई खबर देती है उनको। लेट्स सी भाई ये क्या कर रही है, वेट
अबे नहीं, इसने हमें देख लिया है यार। अबे भाई, इसने हमको देख लिया और इसने देखने के बाद उन सारे मॉन्स्टर को दोबारा बुला लिया है यहाँ पे। अबे हमको छोड़ दो मॉन्स्टर्स। अबे यार, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम लोगों ने विच के ऊपर भरोसा। हाँ, विच ने एलेक्स को बना दिया व्हाइट घोस्ट। ओह नो, अब ये मेरे को क्या बनाने वाली है? मैं तो गया गाइस, नो।